गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आप लोग कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, नेट सेट परीक्षा निकालना चाहते हैं, GIC क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बेटा, कोई भी चीज़ पढ़ो, पूरा मन से पढ़ो, पूरा दिल लगा के पढ़ो, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखो। कई बच्चे ऐसे सिली टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे अजीब सा लगता है कि बच्चे थोड़ा समझो उस चीज़ों को। बार बार मैं आपको कहती हूँ, परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा हॉल में बैठे हैं, बिना घबराए हुए, बिना टेंशन में आए हुए आप क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, क्वेश्चन को देखो, उसका ऑप्शन को देखो और फिर उसका आंसर दो। और पहले पेंसिल से टिक लगाओ, पेन से मत लगाना। गोला भी करो तो पहले पेंसिल से करो, बाद में पेन से करना, क्योंकि आप उसको मिटा सकते हो पेंसिल है तो। चलिए, ये तो कॉमन बातें हैं। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैडम, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो जो आपको ईजी लगे, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि बहुत आसान है, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ सकती हूँ, पास हो सकती हूँ, उस सब्जेक्ट से शुरू करो, ताकि आपका इंटरेस्ट बने। और जब इंटरेस्ट बनेगा तो आप डेप्थ में स्टडी कर पाओगे और धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जे ठीक उसी प्रकार से, जैसे आपको 3 मंजिल चढ़ना है तो आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस प्रकार से आप पूरे मंजिल को चढ़ जाते हो। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो जब हम सरल विषयों को पढ़ते हैं, सरल चैप्टर को पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हम इन बातों पर ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ, इनका जवाब दीजिए। पहले तो मैं यही चाहती हूँ जिसका आंसर आप दें, और मैं चाहती हूँ, ये भी चाहती हूँ कि आपका समय ना बर्बाद हो, तो आप इसका आंसर भी साथ के साथ बता देती हूँ। ये है, पहला प्रश्न है, नायलोन रेशों का सूक्ष्मदर्शीय रचना निर्भर करता है। नायलोन रेशों का सूक्ष्मदर्शीय रचना निर्भर करता है। ऑप्शन 4 है, पहला है निर्माण विधि पर, दूसरा है स्पिनरेट के छिद्रों पर, तीसरा है रसायनों पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर ध्यान से सुनो, नायलोन रेशों का सूक्ष्मदर्शीय रचना निर्भर करता है। पहला क्या? निर्माण विधि पर, दूसरा स्पिनरेट के छिद्रों पर, तीसरा रसायनों पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है आपका? निर्माण विधि पर। प्राकृतिक रेशे हैं, उनकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो तो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे भगवान ने हमारी जैसी शक्ल दी है, जो कलर दिया है वही रहेगा, लेकिन जहाँ पर हम बनाते हैं तो नायलॉन का रेशा क्या? मैनमेड रेशा है, मानव निर्मित है। तो ये निर्माण विधि पर इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा, भूलना मत। किस पर डिपेंड करेगा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा किस पर? इसके निर्माण विधि पर, किस तरीका से ये बनाया गया है इस पर ये डिपेंड करेगा, इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सेकेंड क्वेश्चन सुनो, निम्न में से किन रेशों की प्रत्यास्थता का गुण सर्वाधिक देखने को मिलता है? किन रेशों में, निम्न में से किन रेशों में प्रत्यास्थता का सर्वाधिक गुण देखने को मिलता है? प्रत्यास्थता तो आप समझते हो ना, कि जब हम रेशों को खींच देते हैं, अब खींचने के बाद अगर वे अपने मूल रूप में पुनः आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, तो वह रेशा उतना ही प्रत्यास्थ कहलाता है। ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर सब दे दोगे आप, कपास, दूसरा रेयोन, तीसरा नायलोन, चौथा ऊन। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, यही कंफ्यूज कर जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या है बोलो बेटा? करेक्ट आंसर क्या है? नायलॉन।
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नायलॉन रेशों को जादुई रेशा कहा जाता है, इसी कारण कि इसको चाहे कितनी बार धो, कितनी बार इसको पहनो, कितनी बार इसको कुछ भी करो तो पर भी इसकी ये प्रकृति जैसे कि तैसी ही रहती है। पहन के सो जाओ, पहन के बैठ जाओ, काम करो, लेकिन जब उठोगे काम करके सो करके तो फिर वो वस्त्र वैसे के वैसे ताज़ा का ताज़ा, जीवंत का जीवंत, और वही आकर्षण रहता है। ना तो इसकी स्त्री ख़राब होती है, ना इसमें कोई सिकुड़न आता है, ना इसमें किसी प्रकार का सिलवटें पड़ती हैं, सलवट जिसको बोलते हो, क्रीज ये भी नहीं पड़ता इसमें। एक बार प्रेस कर दो, महीनों भर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का अनोखा और विलक्षण गुण विद्यमान रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हौजरी वस्त्र की फ्री साइज के बनते हैं, हौजरी वस्त्र फ्री साइज के बनते हैं जिसका कारण है, प्रश्न सुनो, हौजरी वस्त्र फ्री साइज के बनते हैं जिसका कारण है, पहला रेशों की लंबाई, दूसरा रेशों की मोटाई, तीसरा रेशों का अधिक प्रत्यास्थ होना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है? सबसे सुटेबल आंसर है रेशों का अधिक प्रत्यास्थ होना। जब रेशा प्रत्यास्थ होगा तब वो क्या होगा, बॉडी में जा करके फिट हो जाएगा। जैसे बनियान है, अंडर गारमेंट्स है, मोजे हैं, तो जहाँ एड़ी में फिट होना होगा वहाँ फिट हो जाएगा एड़ी में, जहाँ आपके पैर के अगला भाग में फिट होगा होना होगा वहाँ के फिट हो जाएगा, जहाँ आपके पैर के ऊपरी हिस्से में फिट होना होगा वहाँ हो जाएगा। इसके पीछे यही कारण है कि नायलॉन के रेशों में, जिन रेशों में प्रत्यास्थता का गुण होता है, और जहाँ प्रत्यास्थता का गुण होगा वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। देखने में छोटा लगता है लेकिन जैसे हम पहनते हैं वो हमारी बॉडी में जा करके फिट बैठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से किन रेशों में तनाव सामर्थ्य अधिक होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ किन रेशों में सर्वाधिक होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तो खींचते हैं तो टूट जाना, टूट जाना, कितना वो तनाव को सह सकता है, तनाव सामर्थ्य कहलाता है। तो ये देखो क्या है ऑप्शन आपके पास, कपास, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है रेशम, चौथा है ऊन, कौन सा करेक्ट आंसर बताओ? निश्चित तौर पर नायलॉन, नायलॉन का टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशम और ऊन की तुलना में ज़्यादा होता है, कपास की तुलना में ज़्यादा होता है। जितने भी मैन मेड फाइबर हैं, है ना, प्राकृतिक रेश जितने भी हैं उन सब से सर्वाधिक मैन मेड फाइबर में नायलॉन है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है मैन मेड फाइबर में, प्राकृतिक रेशों की तुलना में बता रही हूँ। हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाँचवा, निम्न में से किन रेशों में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता एवं अवशोषकता कम होती है, निम्न में से किन रेशों में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता एवं अवशोषकता कम होती है? ऑप्शन आपके पास लिनन, रेयन, नायलॉन, रेशम, क्या है? निम्न में से किन रेशों में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता, मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी, किन में, और एब्जॉर्बेंसी किस में सबसे कम होती है? ऑप्शन आपको मैंने बताया था लिनन, रेयन, नायलॉन और रेशम, करेक्ट आंसर क्या था, क्या है? करेक्ट आंसर है नायलॉन। नायलॉन का रेशा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इस कारण वो पसीना को सोख नहीं पाता है, और जब पसीना को नहीं सोख पाएगा
तो पहनने में वो तकलीफ दे होगा। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर बच्चे पूछते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, नायलॉन का रेशा होता है ताप का सुचालक, ताप का कुचालक या इसके विधि निर्माण विधि पर निर्भर करता है इसकी चालकता, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बोलो? नायलॉन का रेशा ताप का सुचालक होता है। नायलॉन का रेशा ताप का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 6 या 7 गिन लेना आप क्या हुआ है। नायलॉन के वस्त्रों में स्थैतिक विद्युत प्रभार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनता है, पहला ऑप्शन, दूसरा नहीं बनता है, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों ही, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर है बताओ? नायलॉन के वस्त्रों में स्थैतिक विद्युत प्रभार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पहला ऑप्शन बनता है, सेकेंड ऑप्शन नहीं बनता है, थर्ड ऑप्शन उपरोक्त दोनों ही, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनता है। क्यों बनता है? फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। जैसे हमने मान लो कि नायलॉन के कपड़े पहन रखे हैं, तो जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं, या अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं, है ना, गर्दन को हिलाते डुलाते हैं, काम करते रहते हैं, फ्रिक्शन होते रहता है। जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वस्त्र की जो सतह होगा वहाँ पर है ना विद्युत सुचालक के संपर्क में आएगा, स्थैतिक विद्युत प्रभार बनेगा, चार्ज बनेगा, और उसके कारण विद्युत का झटका भी लगेगा। अक्सर अब गर्मी के दिनों में देखना, जब कभी भी नायलॉन के या सिंथेटिक कोई भी वस्त्र हम पहनते हैं, वातावरण सूखा हुआ रहता है या बरसात के मौसम में, तो उसमें से जब आप कपड़ा खास करके जब आप उतारते हो, ड्रेस उतारते हो या साड़ियों को लपेटते हो उतारते हो, तो अक्सर देखोगे उसमें से चिंगारी जैसी चीज़ें निकलती हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ की आवाज़ आती है। ध्यान से सुनना, बरसात के दिनों में इसीलिए नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े पहनने में आरामदेह नहीं होते हैं, क्योंकि पसीना सूखता नहीं है, तो वहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, स्थैतिक इसके सतह पर स्थैतिक विद्युत प्रभार बन जाता है, और आपको बिजली के झटके जैसे लगते हैं, जैसे कि यहाँ है ना नोचने लगता है, इधर नोचने लगता है, अजीब सी चिड़चिड़ापन होता है जब आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। तो वहीं आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, आपको सर्दी हो या गर्मी हो आराम मिलता है, क्योंकि पसीने को सोखने की उसमें कैपेसिटी है और उसमें कोई अस्थैतिक विद्युत प्रभार नहीं बनता है। अक्सर आप कपड़ा जब आप उतारते हो देखोगे तो उसमें चिंगारी जैसी, खास करके बिल्कुल अंधेरे में देखना, रात के लाइट वाइट ऑफ करके, तो देखोगे आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ये कहने की बात नहीं है, आप देखना, उसको अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी हो, देखो नायलॉन के वस्त्र गर्मी में पहनने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अभी मैंने उसको एक्सप्लेन कर ही दिया है, क्योंकि पहला ऑप्शन ताप के सुचालक होते हैं, दूसरा रेशे गोल और अत्यंत बारीक होते हैं जिससे सघन बुनाई वाला वस्त्र तैयार होता है, और तीसरा ऑप्शन हवा और पसीना शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। एक्सप्लेन कर ही दिए, नायलॉन के वस्त्र गर्मी में पहनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये ताप, पहला कारण है ये ताप का सुचालक होता है, दूसरा कारण है वस्त्र की सतह पर स्थैतिक विद्युत प्रभार उत्पन्न हो जाता है, तीसरा है
इसके रेशे की प्रकृति गोल होती है, बहुत बारीक रेशा होता है, बहुत मजबूत रेशा होता है, बहुत प्रत्यास्थ होता है। तो इससे जो कपड़े बनते हैं वो सघन बुनाई वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सघन बुनाई वाले वस्त्र होते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताया, हवा और पसीना बिल्कुल ही शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। जब हवा और पसीना को सोख, हवा नहीं निकल पाएगा, बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाएगी, पसीना को सोख नहीं पाएगा, तो वैसा वस्त्र हमारे गर्मी में पहनने के लायक नहीं होते हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये मैं छोड़ देती हूँ आपको आंसर देने के लिए, आंसर आपको देना। जब वस्त्र बुनाई में ताना का धागा नायलॉन का, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, जब वस्त्र बुनाई में ताना का धागा नायलॉन का, ताना समझते हो ना, जो वस्त्र लंबाई में बुने जाते हैं, जैसे ये मान लो मेरा दुपट्टा है, ठीक है, तो जो लंबाई में वस्त्र जा रहे हैं, है ना, ये देखो इसकी लंबाई है, तो जो लंबाई में बुने जा रहे हैं वो कहलाता है ताना का धागा, समझ गए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वार्प, और जो चौड़ाई में है वो कहलाता है वेफ्ट, जिसको कहते हैं बाना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब, सुनो ध्यान से, जब वस्त्र बुनाई में ताना का धागा नायलॉन का और बाना का धागा ऊन का होता है, ठीक है, तो ऐसे धागों, तो ऐसे धागे से निर्मित वस्त्र कहलाते हैं, क्या कहेंगे उस वस्त्र को? संयोजित वस्त्र, मिक्सर रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र, ब्लेंडेड रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र, या इनमें से कोई नहीं। इस आंसर का, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, मैंने छोड़ दिया है, आप थोड़ा पढ़ाई करना और फिर मुझे बताना कि क्या है। मैं सबके प्रश्नों को देखती हूँ, सबके कमेंट को देखती हूँ, और आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और नायलॉन को मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल्स में, आप ज़रूर देखना पिछला वीडियो खोल करके, अब ऐसे मैं रिवाइज करवा रही हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक जाने की दो इजाज़त, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ एग्जाम माई डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ओके।